दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान बेटी के मौत का जिम्मेदार खुद को क्यों मानती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनेया कहाँ हो तुम? सनेया मयंक अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता हुआ घर में दाखिल हुआ। लो, तुम यहाँ बैठी जाने कहाँ गुम हो और मैं तुम्हें घर भर में ढूंढ रहा हूँ। मयंक पत्नी को बालकनी में गुम सुम बैठे देख बोला, आ गए आप, मैं साए लाती हूँ। मयंक की आवाज़ सुन सनेया अपने आंसू पोंछती हुई बोली, तुम रो रही हो सनेया, क्यों नहीं भूल जाती तुम सब? कब तक खुद को यूँ सजा दोगी? मयंक पत्नी के दोनों कंधे पकड़ बोला, वो सब भूलना मेरे बस में नहीं मयंक, नहीं भुला सकती मैं कि मेरे कारण मेरी। ये बोल सनेया फूट फूट कर रो दी तो मयंक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बस सनेया मत दर्द दो खुद को, शायद किस्मत का खेल इसे ही कहते हैं। मयंक ये बोलते बोलते खुद भी रो दिया। सनेया और मयंक की 5 साल की एक प्यारी सी बेटी थी मायरा। दोनों अपनी बेटी पर जान सिड़कते थे, मायरा थी भी इतनी प्यारी की पूरे मोहल्ले की लाडली थी वो। अपनी तोतली जबान में जब वो बातें करती थी तो लगता था मानो कोयल कूक रही है। आज से करीब साल भर पहले सनेया फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मम्मा मम्मा मुझे साड़ी पहनाओ ना, मुझे मम्मा बनना है। मायरा सनेया के पास आकर बोली, उसके हाथ में सनेया की साड़ी थी। बेटा बाद में, अभी मम्मा बात कर रही है ना, आप अपने टॉयज खेलो। सनेया बेटी से बोली, नहीं मम्मा मुझे साड़ी ही पहननी है। मायरा तोतली जुबान में जिद करती बोली, बेटा आप बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, जाओ अभी टॉय से खेलो। सनेया थोड़े गुस्से में बोली। मायरा मम्मी का गुस्सा देख वहाँ से हट गई और कमरे में आ गई। उसने टीवी खोल कार्टून लगाए पर उसमें उसका मन नहीं लगा, क्योंकि उसे तो साड़ी पहननी थी। टीवी को सलता सोड़वा ड्रेसिंग के आगे आकर खुद से साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। अब बाल मन की जिद वह तो उसे पूरी करनी ही होती है। खैर उल्टी सीधी साड़ी लपेट वह ड्रेसिंग के आगे खड़ी हो मम्मी के मेकअप के सामान में से मेकअप करने लगी। पर उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था। अचानक उसे ख्याल आया, मम्मी तो साड़ी में एक खूबसूरत सा पिन लगाती हैं जिससे साड़ी गिरती नहीं। उसने इधर उधर देखा, उसे ड्रेसिंग के सबसे ऊपर वाले ड्रॉल में वह पिन जागता नजर आया। अब मायरा तो छोटी सी, वो भला पिन तक कैसे पहुंचे? उसने ड्रेसिंग के पास रखा पहियों वाला स्टूल खिसकाया, जिस पर बैठे मम्मा मेकअप करती हैं, और उस पर सड़ने लगी जिससे वह पिन तक पहुंच जाए। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो पिन तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि उसकी साड़ी उसे परेशान कर रही थी। उसने साड़ी के पल्ले को कई बार अपने गले में लपेट लिया जिससे वो लटके ना। इधर सनेया को काफ़ी देर हो गई बात करते हुए, तो उसने अपनी सहेली को बाय बोल फोन काटा और मायरा के पास अंदर आई। अंदर आते ही उसकी निकल गई, मायरा बेटा मायरा क्या हुआ तुझे? उठ देख मम्मा तुझे साड़ी पहनाने आई है, उठ मेरी बच्ची। सनेया पागलों की तरह बच्ची को गोद में
लिए उसका गाल थपथपाने लगी, पर बच्ची नहीं उठी। उसकी सीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने बच्ची को ड्रेसिंग में फंसी साड़ी से निकाला और अस्पताल भागे। पर किस्मत का खेल देखे माँ पापा की जान मोले भर कि लाडली हमेशा सेकने वाली बच्ची आज बेजान पड़ी थी। मयंक को भी किसी ने खबर कर दी थी और वो दौड़ा आया था। सॉरी मयंक जी, दम घुटने की वजह से यहाँ आने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने आकर ये दर्दनाक खबर दी। क्योंकि मामला संदिग्ध था इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को भी खबर दे दी थी। पुलिस ने सबसे पूछताछ की, घर पर आकर छानबीन की। उससे ये नतीजा निकल कर आया कि साड़ी ड्रेसिंग में कहीं अटक गई होगी और पहिए वाला स्टूल खिसक गया होगा। गले में साड़ी लिपटी होने के कारण वो कश्ती सली गई और बच्ची का दम घुट गया। हो सकता है बच्ची के गिरने से आवाज़ जो हुई वो टीवी के शोर और फोन में लगे होने के कारण सनिया तक नहीं पहुंची। सनिया इस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानती हैं। एक किस्म से वो खुद को बेटी की हत्यारिन समझती हैं, क्योंकि उसे लगता है ना वो फोन में लगी होती ना ये हादसा होता। दोस्तों, हादसे जिंदगी का एक हिस्सा हैं, पर खुद हादसे हमारी हल्की सी लापरवाही से घर घट जाते जो जिंदगी भर का मलाल दे जाते हैं।